अग्निपथ योजना पर देश में मचे हंगामे के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी आक्रोशित युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मार्कशीट की प्रतियां जलाई। साथ ही युवाओं ने कहा कि सरकार की गलत नीति के चलते आज देश भर के युवा सड़कों पर हैं, लेकिन युवाओं की मांगों को सुनने के बजाय भाजपा के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और सेना का अपमान कर रहे हैं। वहीं युवाओं ने सेना की नई भर्ती स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। युवाओं में आपसे इस बात का था कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो अनाप शनाप बयान यहाँ पे दिए उस पर युवाओं को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस विषय पे आज इन लोगों ने सबने अपनी मार्कशीट वगैरह भी जलाई, उनको जलाया, एक क्रोध था, उसमें हमने एक पुतला दहन छोटा सा कार्यक्रम जैसा भी किया। और लगातार अगर ये लोग अच्छे काम नहीं कर सकते, युवाओं को मतलब उनका अधिकार नहीं दिला सकते, तो एटलीस्ट अनाप शनाप बयानबाजी तो ना करें। अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और जो हम मांगे रख रहे हैं उनको सुनने तक को तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े कहाँ कहाँ पता नहीं रैली हो रही, क्या क्या हो रहा, अरे इन चीज़ों को कुछ तो सुनना चाहिए इन लोगों ने। जो भाजपा के मंत्री जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि पहले हमारा युवा सेना की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा और उसके बाद जो अग्निवीर का जो टैग लेकर आएगा वो हमारे सदन में हमारे कार्यालय में काम करेगा, इससे युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष है और ये सेना का अपमान भी है। दरअसल सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से देश भर के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।